हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेफेलोस्पोरिडिन। ओके, सेफेलोस्पोरिडिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेफेलोस्पोरिन, दैट मीन्स क्लास ऑफ सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन इज अ एंटीबायोटिक टू इनहिबिट द ग्रोथ और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन इट इज अ क्लास ऑफ सेफेलोस्पोरिन। ओके, सेफेलोरिडिन, सेफेलोरिडिन आयरिडिन रिंग ग्रुप, मतलब कि आयरिडिन अटैच है यहाँ पे, सो पायरिडिन रिंग होगा उसके स्ट्रक्चर में, राइट। दिस इज अ पायरिडिन रिंग, सिंपल बेंजीन रिंग प्लस हेट्रो एटम अटैचमेंट का। दिस इज द पायरिडिन रिंग, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन हेट्रो एटम अटैच होगा किसी बेंजीन रिंग में। ओके, सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडिन। ओके, सेफेलोरिडिन, ओके, सेफेलोरिडिन मीन्स सेफेलोस्पोरिन ग्रुप प्लस R2 R1 पायरिडिन रिंग, राइट। सो स्ट्रक्चर में R2 ग्रुप और R1 ग्रुप अटैच करना है, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसका एग्जांपल देखा था। दिस इज अ R1 ग्रुप एंड दिस इज अ R2 ग्रुप। R2 ग्रुप इज अ पायरिडिन ग्रुप बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोरिडिन। ओके, सो सेफेलोरिडिन मतलब कि पायरिडिन। ओके, उसके नेम में ही आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में एग्जाम में भी पूछा गया है इसका स्ट्रक्चर, सो समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ R1 ग्रुप अटैच करना है, देन R2 ग्रुप। R1 ग्रुप सिंपल थायोफेन ग्रुप है प्लस मिथाइल ग्रुप, दैट मीन्स 2-methyl-thiophene। ओके, बिकॉज 5 मेंबर रिंग को 1 सल्फर ग्रुप अटैच करना है, राइट। सो दिस इज अ R1 इज अ थायोफेन ग्रुप एंड R2 इज अ पायरिडिनो ग्रुप। ओके, एंड दिस इज अ कॉमन रिंग ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स और डेरिवेटिव ऑफ सेफेलोस्पोरिन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेफेलोस्पोरिन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज अ सेफेलोस्पोरिन, दैट मीन्स सेफेलोरिडिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट मीन्स दैट कंपाउंड और दैट एंटीबायोटिक एक्ट्स ऑन अदर सम स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में डिफरेंस क्या है? जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक स्पेसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसी पे इफेक्ट दिखाता है। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो ऑल, मतलब कि अदर स्पेसीज पे भी इफेक्ट दिखाता है, एंटीबायोटिक इफेक्ट, राइट। सो सेफेलोरिडिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्लस ऑकर्स एज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, बिटर इन अ टेस्ट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें पता है क्या लिखना है, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, अपियरेंस, सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ सेफेलोरिडिन कंपाउंड। इट इज शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल टाइट क्लोज्ड कंटेनर, दैट मीन्स ड्राई प्लेस, कैप्ट इन ए ड्राई प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, जो कि कॉमन स्टोरेज है अदर ड्रग को भी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द यूजेस ऑफ सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन का यूज देखना है, कॉमन यूज हमें पता है, इट इज कॉल्ड एज अ एंटीबायोटिक। ओके, इट इज यूज ऑन अ बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। देन इट एक्ट्स अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया के जो टाइप है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट दिखाता है एंटीबायोटिक इफेक्ट सेफेलोरिडिन। द नेक्स्ट यूज, इट इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये यूज कॉमन यूज है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब कि जो नोज से लेकर लंग्स तक का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होता है तो आपको सेफेलोस्पोरिन के डेरिवेटिव्स एंटीबायोटिक करके दिया जाता है, राइट। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या हो सकता है? जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, यूरेटर, राइट, इसमें अगर कुछ इन्फेक्शन होता है तो डिसइन्फेक्शन करने के लिए भी सेफेलोस्पोरिन के डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ ऑफिशियल प्रिपरेशंस, ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस क्या क्या है? सेफेलोरिडिन ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। सेफेलोरिडिन इंजेक्शन ब्रिटिश एंड इंडियन फार्माकोपिया फॉर्मुलेटेड है। देन लास्ट पॉइंट इज अ ब्रांड नेम, सेफेलोरिन एंड ग्लैक्सोरिडिन, ठीक है। दिस इज अ ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ सेफेलोरिडिन कंपाउंड। ओके, सो दिस इज द ब्रांड नेम, ऑफिशियल प्रिपरेशन यूज
फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेफेलोरिडिन, ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोरिडिन, सिंपल स्ट्रक्चर. दिस इज अ आर वन ग्रुप एंड दिस इज अ आर टू ग्रुप, पायरिडिनोरिन प्लस थायोफिन, टू मिथाइल थायोफिन ग्रुप, आर वन आर टू करके अटैच करना है, जो कॉमन सेफेलोस्पोरिन रिंग है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोरिडिन, ठीक है. सो समझ में आया आपको, सिंपल ड्रग है लेकिन इंपॉर्टेंट है. ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.